हिमाचल के कांगड़ा में खूनी संघर्ष देखने को मिला। वार्ड नंबर 7 में खूनी संघर्ष में परिवार के लगभग 6 लोग लहूलुहान हो गए। फिलहाल अभी झगड़े के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि यह मामला हिमाचल के कांगड़ा के अंतर्गत नूरपुर की बदुही पंचायत के क्षेत्र का है। किसी तरह से लोगों ने घायलों को नूरपुर अस्पताल पहुंचाया, जिसमें सुरेश कुमारी 58 वर्षीय व दरबारी लाल 70 वर्षीय को टांडा रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस के ना पहुंचने पर घायल परिवार वालों ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लड़ाई की वजह का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। घायल परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने फोन पर बताया कि दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। घायलों का मेडिकल करवाया गया है और रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। घायल ज्योति ने बताया कि पूरे परिवार को लहूलुहान किया गया है। परिवार को बचाने के लिए वह बीच बचाव करने के लिए गई, इस दौरान उस पर भी हमला कर दिया गया। वहीं घायल नरेश कुमार ने बताया कि हमारे पूरे परिवार को घायल कर दिया गया है। उनकी बाजू, टांगे व सिर पर गहरी चोटें आई हैं। अभी तक हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। नरेश कुमार मेरा नाम है। ये मेरे चाचा के लड़के की है, चक्की आटा मिले मशीन पे आटा लेने दी है, तो उधर बूढ़े के साथ उनकी कोई बहस होगी। तो हम खेतों में थे, आए रोला सोना आम दौड़े देखने के लिए। तो बाद में ऐसा हुआ कि जहाँ से भी हम उनके घर से आगे और दुकान से आगे निकले, तो उसने पीछे से वार कर दिया। मेरा 5 टांके लगे हैं और मेरे में तो पूरी बाहें गाड़ा मारी गए हैं, गोटे मारी हैं। तो मेरे डैडी ने फटा हड्डी टूटी है इनके, मैं हाथ जोड़े भी वहाँ नहीं लड़ो नहीं लड़ो, फिर आगे आगे ज़्यादा मार के छोड़ेंगे। और हॉस्पिटल आए हैं, रात को आई तो धमकी दे रहे थे, ऐसे उंगलाम कर रहे थे, आगे एक और मारेंगे अब। तो ये हमारे ना कोई भी है, इतने राजनीति चल रही है तो कोई साढ़े बारे सोच नहीं रहा। तो और आगे से भी था, मुझे डर है, मुझे बोल रहे आपको जसूर मारेंगे और जहाँ भी मारेंगे। तो और रास्ते में सैड मारते हैं और आई लड़ना नहीं चाहते, ये खुद खुद मारना चाहते हैं। और गाड़ियों में इतना गाड़ी भी भंग दी है, एक हंडर है मोटरसाइकिल, इन्हें सब तोड़ दिए हैं। पप्पू मनाहते घर के सामने मारा है, पप्पू मनाहते घर के सामने मारा, वो मारते अंदर ले गए मारते। और वो आदमी नहीं होते तो हमें एक आधा आदमी मर जाता। मेरा नाम ज्योति देवी है और हमारे जो गांव में जो है लड़ाई हुई है, तो मेरे भाई को जो है वो पीटा गया है, सभी भाइयों को। तो मैं भी जो है वो बचाने के लिए गई थी और मुझ पर जो है वो हथौड़े वगैरह रस्से जो भी कुछ लिया हुआ था उससे उन्होंने जो है पिटाई की है। और मेरी जो है इधर पिछली साइड बैक साइड पर जो है रोड जो है वो ज़ोर से लगाया गया, उन्होंने मारा है, क्या बोलते हैं, मेरे भाइयों को बड़ी तरह से घायल कर दिया था। मेरी मदर जो है वो भी बचाने के लिए गई थी, उन्हें जो है नूरपुर वालों ने कुछ नहीं किया उनके साथ, उनको जो है वो टांडा में रेफर कर दिया गया है। और वहाँ पे जो है पूछताछ अब चल रही है, पता नहीं वो नहीं पता मेरे को। और जो है इन्होंने मेरे सब हमारे जो है सारे परिवार को जो है पीटा है, सारे परिवार ने, जो उनके लड़कों के नाम है जैसे दिनेश, विक्रम जो है, विशाल और गौरव और दो जानू बानू है उनके नाम। और इन सब ने जो है मेरे भाइयों को पूरी तरह से, और इससे इसके दौरान ये है कि पुलिस तक नहीं आई। मेरे पापा को हमारी गाड़ी जो है इन्होंने पूरी तोड़फोड़ कर दी है और पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। पिछले कल जो है ये हादसा हुआ है, और ऐसा है कि हादसे के दौरान जो है एम्बुलेंस मंगाई गई, मेरे भाइयों को जो है नूरपुर गए हॉस्पिटल में। पर यह हुआ कि वहाँ पर जो है चेकअप नहीं किया उनका, पहले जो है दूसरी जो पार्टी थी उनका कर दिया चेकअप, और मेरे भाइयों को कोई देख रेख नहीं हुई। और इसके दौरान जो है कोई पुलिस नहीं आई वहाँ पे, इन्होंने जो है पुलिस को किसी ने आने ही नहीं दिया। हम लोग उसके बाद जो है मेरी मम्मा को जो है वो रेफर कर दिया, पता नहीं उनकी हालत कैसी है कैसी नहीं। और उनके परिवार ने जो है मेरे भाइयों को जो है बुरी तरह से घायल कर दिया है। और मेरे ताया जी जो है, मेरे सारे ताया जी चाचा जी जो भी हैं, सबके लड़कों को जो है इन्होंने बुरी तरह से पीटा हुआ है।
बस अब तो भगवान की सरकार और प्रशासन से क्या करते हैं? सरकार ने जो है फैसला कोई किया ही नहीं है, पुलिस को फोन किया वो नहीं आई, वो यहाँ तक आने नहीं दी इन्होंने। इतना पहले भी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस को आने नहीं दिया, पुलिस जो है वो 3 दिन के बाद आती है। देखना ये है कि ये हादसा जो है वीरवार को करते हैं, शुक्रवार को जो है हमारे हॉस्पिटल चले जाते हैं, शुक्रवार को वीरवार को कल के जो है हॉस्पिटल चले गए हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में गए हैं वहाँ पे भी नहीं पुलिस आई, और देखना आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार है और परसों संडे, ये ऐसे ही करके जो है फिर मंडे तक बात पहुंचाते हैं। और पुलिस जो है हमारे घर में 3 दिन के बाद आती है, जबकि पुलिस को जो एट द टाइम वहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसा जो है किया गया है, हम क्या बोल सकते हैं प्रशासन के बारे में, हमने देखा है कि एचपी पुलिस जो है बेकार है। जो हुआ है इसके बारे में बताइए। सर मैं शाम को अपने घर पे था, मुझे नूपुर थाना से फ़ोन आया ASI मान सिंह जी का, उन्होंने मुझे पूछा कि प्रधान जी कुछ न कोई हादसा हुआ। मैं सर मुझे तो अभी तक पता नहीं है, हमें कॉल आई है कि भाई मैं लड़ाई हुई है, फिर मैं पता करता हूँ। फिर मैंने एक दूसरे का फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि लड़ाई हुई है। फिर मैंने ASI साहब को बोला कि मैं सर मैंने सुना है कि लड़ाई ज़्यादा हुई है, तो आप क्या कर रहे आ रहे हैं, हम देखते हैं, हम तो गाड़ी नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा कि मैं मौके पर जाऊं, फिर मैं मौके पर आया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो एम्बुलेंस मुझे रास्ते में क्रॉस की, जब मैंने जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी मैंने आके पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने बोला कि इनकी काफ़ी लड़ाई हुई है, इनको काफ़ी चोटें चुटें आई हुई हैं, तो इससे आगे ये दोनों पार्टी फिर ऊपर चले गई। उसके बाद फिर मैंने पठाना में फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे लड़ाई तो हुई है और मैं मौके पर हूँ, तो एक गाड़ी भी टूटी है, इस गाड़ी रोड के बीच में है, तो गाड़ी का क्या करना है। फिर उन्होंने बोला कि 10 मिनट रुको हम आ रहे हैं। फिर 10-15 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आया कि प्रधान जी हमें पता चला कि दोनों पार्टियां हॉस्पिटल चली गई हैं, तो हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जो गाड़ी है इस साइड में करवा दो। बस इसके बाद आगे फिर भी दोनों पार्टियाँ हॉस्पिटल चली, आगे इनका मेडिकल वगैरह क्या हुआ वो प्रशासन को पता होगा। प्रधान जी ये जो लड़ाई है कि इसकी वजह क्या है, क्या मानते हैं इसकी वजह को? वजह सर ये तो दोनों पार्टियों को पता होगा, इसके बारे में पूरा तो नहीं है मुझे पता, पर पहले भी इनका आज से करीब दो ढाई महीने पहले भी तो इनका यहाँ एक कोई ज़मीनी विवाद भी है, बाकी इनके रास्ते की है, तो इसमें कह नहीं सकते हैं कि ये रास्ता सरकारी है या किसी के मालिक की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.